हेलो बेबीज एंड बाबास हेलो बॉयज एंड गर्ल्स हेलो माय डियर व्यूअर्स माय नेम इज प्रोफेसर नीति दोषी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आई होप आप सब स्वस्थ हैं और बहुत बहुत मस्त है चलिए बच्चों आज अभी इसी वक्त लेट कंटिन्यू लेट कंटिन्यू विथ आवर वेरी ब्यूटिफुल बिजनेस लिया जी हाँ बच्चों लेट कंटिन्यू थ अवर वेरी ब्यूटिफुल बिजनेस बट बच्चों आई होप आपने रिवाइज किया है आई होप आपको याद है हमने मॉड्यूल वन चैप्टर वन ख़त्म कर दिया है और मेरे पास एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है हम लोग मॉड्यूल वन चैप्टर टू एवरी वन मॉड्यूल नंबर वन चैप्टर टू भी हम ये लेक्चर में ख़त्म कर देंगे जी हाँ इसी लेक्चर में हमारा मॉड्यूल वन चैप्टर नंबर टू बी ख़त्म हो जाएगा आई होप आई होप आपने पहले की चीज़ें रिवाइज की होगी आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी एंड आई होप आपको अगर नहीं समझ में आई हो है, तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइए ठीक है बच्चों, लेट लेटस स्टार्ट विद अ न्यू कॉन्सेप्ट विच इज डिफंक्ट कंपनी बच्चों हम डॉर्मेंट कंपनी पढ़ रहे थे जी हाँ हम डॉमेंट कंपनी पढ़ रहे थे डॉर्मेंट कंपनी का क्या हमने सीखा था वो आपको याद होगा अगर आपको नहीं याद आए तो पहले वो लेक्चर देखिए पर जो डोरमेंट कंपनी को कंटिन्यू करते हुए एक छोटा सा है डिफंक्ट कंपनी एक छोटा सा है डिफंक्ट कंपनी ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट जब हुई थी ना ऐसी कंपनी जो जब इनकॉर्पोरेट हुई थी तभी कुछ तो उसका काम था लेकिन अभी उसका काम खत्म हो गया यानी वो कुछ ऑपरेशन कुछ बिजनेस नहीं कर रहा है ऐसे केस में डिफंक्ट कंपनी का देखिए क्या होता है सर्टन कंपनीज आर इनऑपरेटिव या तो सिंस इनकॉरपोरेशन या तो इनकॉरपोरेशन हुआ तब से ही इनकॉरपोरेटिव है या इनऑपरेटिव एम सो सॉरी जब से इनकॉरपोरेशन हुआ तब से ही इनऑपरेटिव यानी उसने कुछ भी बिजनेस नहीं किया है और हैव कॉमेंड बिजनेस बिजनेस शुरू किया था बट सब्सिक्यूंटली आगे जाके उसने इनऑपरेटिव हो गया यानी अभी वो बिजनेस नहीं कर रहा है पहले करता था, था ये कंपनी बिजनेस लेकिन अभी ये कंपनी बिजनेस नहीं कर रहा है एंड डू नॉट फाइल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टाइमली विर ओ सी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास ध्यान दीजिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास भी वो अपने फॉर्म्स अच्छे से टाइमली मैनर पे फाइल नहीं कर रहा है दीज कंपनीज में बी डीफंक्ट एंड

The Companies Act 2013 provides both the opportunities. 2013 Companies Act ke though no opportunities hai. Kaisi opportunities? First, removal of name of the company from the register of companies under. चैप्टर टेन फाइव फिफ्टीन एटीन अंडर चैप्टर एटीन जी हाँ बच्चों रिमूवल ऑफ नेम ऑफ़ कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर पहला ऑप्शन है कि आप रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से तो अपना ये नाम थोड़ा डिफिकल्ट अपना ये नाम हटा दीजिए सबसे पहला अपना नाम रिमूव करा दीजिए या तो फिर डॉर्मेंट कंपनी स्टेटस फॉर अ लिमिटेड पीरियड hmm. कुछ सालों के लिए अपना ये जो कंपनी उसको डॉर्मेंट स्टेटस यानी इनएक्टिव डॉमिन स्टेटस यानी इनएक्टिव स्टेटस के लिए अप्लाई कर दीजिए पॉइंट टू बी नोटेड योर इज एज ड्राफ्ट कंपनी थर्टीन डॉमिन कंपनी स्टेटस अवेलेबल ओनली फॉर द पीरियड ऑफ फाइव ईयर एक कंपनी डोमिन कंपनी कितने सालों तक रह सकती है भैया पाँच सालों तक रीजन फॉर मेंटेनिंग डॉमिन कंपनी स्टेटस वॉट आर द रीजन बट ये दो ये दो आपको पता है कंडीशन पता होनी चाहिए जी हाँ बचो रीजन फॉर मेंटेनिंग डोमिट कंपनी स्टेटस एक कंपनी का स्टेटस डोमिनट कंपनी स्टेटस क्यों रीजन क्या है उसके पीछे देखिए कंपनीज में भी डोमिट फॉर वेरियस रीजन्स कंपनी डोमिंट बहुत सारे रीजन्स के लिए रह सकते सबसे पहला टू प्रोटेक्ट अ कंपनी नेम पढ़ेंगे अपन टू प्रोटेक्ट अ कंपनी नेम जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एग्जाम्पल में सिखाया था जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एग्जाम्पल में सिखाया था कि हो सकता है अभी नाम बना लेते हैं कंपनी को रजिस्टर करवा लेते हैं लेकिन कंपनी का वर्किंग कंपनी का बिजनेस कंपनी के ऑपरेशंस कुछ सालों बाद यानी दो साल तीन साल के बाद शुरू करेंगे इसीलिए कंपनी का नेम को प्रोटेक्ट करने के, के लिए उन्होंने डॉर्मेंट इसके लिए अप्लाई कर दिया है इन रेडीनेस फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट आपका ये जो फ्यूचर प्रोजेक्ट है उसके लिए आपने कंपनी को डोरमेंट कंपनी बना दी है डोमेंट स्टेटस हासिल कर लिया है टू होल्ड एन एसेट जी हाँ टू होल्ड एन एसेट और टू होल्ड एन आई पी आर प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए अभी आपने ये डोमेन स्टेटस के लिए अप्लाई किया है टू होल्ड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए भी आपने ये कंपनी को डॉमेंट कंपनी बना दिया है प्रोसीजर्स बच्चों ये रीजन्स पता चलने के बाद आई वॉन्ट यू ऑल टू स्टे वेरी वेरी फोकस्ड ऑन द प्रोसीजर्स क्या बोलते हैं देखिए प्रोसीजर फॉर ओपटेनिंग डॉर्मेंट कंपनी स्टेटस किसी भी इनकॉरपोरेटेड कंपनी को किसी भी इनकॉरपोरेटेड कंपनी को एक डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस हासिल करने के लिए क्या क्या चीज देखनी पड़ेगी देखिए हम सब जानते हैं कंपनीज फॉर्म होती है रजिस्टर होती है होती है अंडर कंपनीज़ एक्ट 2013 फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट या तो फिर फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए और टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हैज यहाँ तक जो मीनिंग है ना गोनमेंट का ये हमें बाई हार्ट होना चाहिए हाँ सच अ कंपनी और इनएक्टिव कंपनी में मेक एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्र बचो ये थोड़ा सा चेंज हो गया है ये जो फॉर्म नंबर है ना बच्चों ये थोड़ा सा चेंज हो गया इसे हम अब एम एस सी वन कहते हैं ये फॉर्म को वहाँ पे आई वॉन्ट यूल टू अंडरलाइन एंड मेक दिस स्मॉल अमेंडमेंट इसे हम एम एस सी वन भी कहते हैं एप्लीकेशन टू रजिस्टर इन फॉर्म एम एस सी वन फॉर ऑप्शनिंग दर्मेंट कंपनी स्टेटस अ कंपनी में अप्लाई फॉर डॉम स्टेटस द स्टेटसिटी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन पहला क्या पास करना पड़ेगा भैया स्पेशल रेजोल्यूशन अंडर सेक्शन फोर फिफ्टी फाइव सब सेक्शन वन ऑफ द कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन ऑन कंसिडरेशन ऑफ सच एप्लीकेशन ध्यान दीजिए जैसे ही रजिस्ट्रार के पास ऐसे एप्लीकेशन आती है किसी कंपनी के पास से मिली हुई एप्लीकेशन जहाँ पे कंपनी रिक्वेस्ट करती है इनफॉर्म फॉर्म एम एस सी वन जहाँ पर कंपनी रिक्वेस्ट करती है इनफॉर्म फॉर्म एम एस सी वन के भैया हमें डोमेंट कंपनी का स्टेटस मिल देना है इसलिए हम एप्लीकेशन कर रहे हैं जैसे ही रजिस्टर रजिस्ट्रार के पास ये एप्लीकेशन आता है मे अलाउ द डोमेंट कंपनी स्टेटस टू द टू अ कंपनी नेशोर सर्टिफिकेट इन फॉर्म एम एस सी टू इन फॉर्म बच्चो एम एस सी

काफ़ी सालों से ये कंपनी कम्प्लीटली इनऑपरेटिव है कुछ भी नहीं कर रही है ना रिटर्न फाइल कर रही है ना उसके डायरेक्टर्स लोकेशन में है ना दे आर टू बी लोकेटेड ना शेयर होल्डर्स है कोई भी तो अगर कंपनी इसका स्ट्राइकिंग ऑफ करती है यानी कंपनी अपने रिकॉर्ड्स में से इससे हटा देती है ये कंपनी जिसे एक लीगल स्टेटस मिला था कैसे मिला था क्योंकि उसे कंपनी मानी गई थी बाय द रजिस्ट्रार उसे इनकॉरपोरेशन मिला था उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला था उसे सिन नंबर मिला था लेकिन अगर कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो जाती यानी यानी खुद अथॉरिटीज खुद ये कंपनी का नाम हटा देते अभी ये कंपनी कंपनी नहीं रही फॉर द पीरियड इफ़ इट इट रिमेन्स इट रिमेन्स डॉमेंट फॉर द कॉन्जिक्यूटिव पीरियड ऑफ फाइव ईयर्स अगर पाँच सालों तक कंपनी डॉमेंट कंपनी ही रही है अगर पाँच सालों तक माई डियर व्यूअर्स कंपनी अगर डोमेंट कंपनी ही रही है तो ऑटोमेटिकली उसका स्ट्राइकिंग ऑफ हो जाएगा अभी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट कंपनी रूल्स 2013 हैज सेट आउट द रूल्स फॉर मेंटेनिंग डोमेंट कंपनी स्टेटस एंड मेंटेनिंग द डोमेंट कंपनी सॉरी डोमेंट कंपनी स्टेटस के लिए उसने कुछ रूल्स सेट आउट किए हैं वो रूल्स हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे द कंपनी शाल पास सबसे पहला डॉमेंट कंपनी हमारी नॉर्मल कंपनी को सबसे पहला अगर हमें नॉर्मल हमारी नॉर्मल कंपनी को डोरमेंट कंपनी बनानी है तो सबसे पहले माय डियर व्यूअर्स हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग फॉर ओबेनिंग द डोरमेंट कंपनी स्टेटस सबसे पहला सबसे पहला प्रोसीजर में सबसे फर्स्ट क्या है सबसे पहले है आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो मैम स्पेशल रेजोल्यूशन मैम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है बच्चों, होल्ड योर थॉट होल्ड योर क्वेश्चन राइट नाउ आई प्रॉमिस फ्यूचर में नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर्स में आपको प्रॉपरली पूरा का पूरा समझ में आएगा कि स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या है सहमति शेयर होल्डर्स की सहमति हासिल करना यानी रेजोल्यूशन पास करना देखेंगे बच्चों आगे बिल्कुल देखेंगे हम सेकंड एप्लीकेशन इज टू बी मेड इन फॉर्म एम सी वन अलॉन्ग विद फीस प्रिस्क्राइब इन एनेक्श बी जी हाँ फीस भी भरनी है और फॉर्म भी भरना है पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया यानी शेयर होल्डर्स का अप्रूवल हासिल किया फिर फॉर्म फाइल किया फिर फीस भरा आगे देखेंगे द रजिस्ट्रार में ग्रांट में डोमेंट कंपनी स्टेटस आफ्टर कंसीडरिंग द एप्लीकेशन एंड शाल इश्यू सर्टिफिकेट इन फॉर्म एम टू जैसे ही जैसे ही रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाती है जैसे ही रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाती है वो कंपनी को डोमेंट कंपनी स्टेटस दे सकते बाय इशूइंग

डेंट कंपनी आगे बढ़ेंगे अ डॉमेंट कंपनी शेल हैव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अ डोमेंट कंपनी शैल हैव मिनिमम टू डायरेक्टर्स टू डायरेक्टर्स इफ इट इज अ प्राइवेट कंपनी थ्री डायरेक्टर्स इफ इट इज अ पब्लिक कंपनी एंड वन डायरेक्टर इफ इट इज एन ओ पी सी अगर ओ पी सी है ओ पी सी है तो वन प्राइवेट है तो टू पब्लिक है तो थ्री मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर रही हूँ जी हाँ बिल्कुल मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं द प्रोविजन रिगार्डिंग रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट मैडम ये रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है ये रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स क्या होता है बच्चों प्रॉमिस करती हूँ फ्यूचर में हम इसे बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे लेकिन बात क्या बोल रहे देखिए द प्रोविजंस रिगार्डिंग रोटेशन ऑफ़ डायरेक्टर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी अंडर सेक्शन 152 फिफ्टी सी डज नॉट अप्लाई टू डोमिन कंपनी ये जो सेक्शन है जब हम पढ़ेंगे तब याद करेंगे कि ये सेक्शन जो है रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स ये डॉमेंट कंपनी को अप्लाई नहीं होता है इट शाड बी रिक्वायर्ड टू फाइल अ डेक्लेन एनुअली एक डेक्लेन फाइल करना है बच्चों एनुअली ये फॉर्म भी रिवाइज हो गया है ये डेक्लेन भी फाइल करना है एनुअली विद इन थर्टी डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अलॉन्ग विद प्रिस्क्राइब फीस अगर आपको डॉमेंट स्टेटस मेंटेन रखना है अगर आपको डोरमेंट स्टेटस मेंटेन रखना है तो आपको फॉर्म फाइल करना है एनुअली द डोरमेंट कंपनी द डोरमेंट कंपनी शैल कंटिन्यू टू फाइल द रिटर्न्स ऑफ अलॉटमेंट इन द मैनर विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन दिस एक्ट रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट उनको कंटिन्यू टू फाइल करना है वेन अवर द कंपनी अलॉट्स एनी सिक्योरिटी टू एनी पर्सन जी हाँ अगर कंपनी कोई किसी भी व्यक्ति को सिक्योरिटीज अलॉट कर रही है तो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट भी फाइल करना है इन द प्रिस्क्राइब मैनर जैसे एक्ट में दिया है बस उसी तरीके से अ डॉर्मेंट कंपनी सॉरी ड्राफ्ट रूल्स आर साइलेंट अबाउट बोर्ड मीटिंग्स जनरल मीटिंग्स एंड प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड मीटिंग जनरल मीटिंग एंड प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर हमारे जो ये रूल्स है वो साइलेंट है अ डॉर्मेंट कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अर डोमेंट कंपनी इज रिक्वायर टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सेप्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट सारे स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं लेकिन कैश फ्लो स्टमेंट नहीं बनाना है नो स्पेशल फॉर्मैट हैज़ बीन प्रिस्क्राइब फॉर प्रजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अर डोमेंट कंपनी को स्पेशल फॉर्मैट प्रिस्क्राइब नहीं किया है अ डोमेंट कंपनी शैल कंडक्ट आ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई वॉन्ट ऑल ऑफ योर टू अंडरलाइन डॉर्मेंट कंपनी शैल कंडक्ट टू बोर्ड मीटिंग्स इन दशियल हमने अभी तक डिटेल में बोर्ड मीटिंग पढ़ा नहीं है लेकिन आपको एक क्रिस्प दे, दे दूँ तो बोर्ड मीटिंग कम से कम साल में चार होनी चाहिए कम से कम साल में चार होनी चाहिए लेकिन इन केस डॉर्मेंट कंपनी टू बोर्ड मीटिंग्स रिक्वायर्ड टू बोर्ड मीटिंग्स रिक्वायर्ड

एक्ट कॉन्ट्ररी टू इट्स डॉमेंट स्टेटस अरे भाई तुम डॉर्मेंट कंपनी हो तुमको मालूम है तुम्हारे रेगुलर बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है तुम्हारे बिजनेस नहीं है तुम्हारे ऑपरेशन नहीं है तो भी तुम कॉन्ट्ररी में कुछ एक्ट करते हो कुछ काम करते हो यानी कंपनी नॉर्मल रेगुलर काम करती है द डायरेक्टर्स शाल विद इन सेवन डेज ये काम होने के ये ट्रांजेक्शन होने के सात दिनों में अप्लाई करना है रजिस्ट्रार को कि भाई हमने पहले अप्लाई किया था इनएक्टिव कंपनी बनने के लिए लेकिन अगर अभी हम लेकिन अभी हम एक्टिव बन गए हैं तो तुम हमें एक्टिव कंपनी का स्टेटस अलॉट कर दो जी हाँ इफ इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द रजिस्ट्रार दैट द डॉर्मेंट कंपनीशन ऑफ सेक्शन फोर फिफ्टी फाइ सब सेक्शन वन इट मे इनिशियट इंक्वायरी अंडर सेक्शन टू जीरो रजिस्ट्रार को सामने से लगता है अगर रजिस्ट्रार को सामने से लगता है कि कंपनी ने कुछ तो गड़बड़ किया है डॉर्मेंट स्टेटस हासिल किया है लेकिन फिर कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो वो खुद इंक्वायरी बिठा सकते हैं आफ्टर गिविंग अ रिजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ट द कंपनी इन दिस रिगार्ड इट इज फाउंड दैट द कंपनी हैज़ एक्चुअली बीन फंक्शनिंग द रजिस्टर में पता चलता है कि भाई डॉर्मेंट स्टेटस हासिल करने के बाद फिर भी अगर कंपनी फॉर्मल कंपनी की जैसा फंक्शन कर रही है तो इस केस में क्या करना है रिमूव द नेम ऑफ ऑफ सच कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द डॉर्मेंट कंपनीज एंड ट्रीट इट लाइक इट लाइक एन एक्टिव कंपनी डॉर्मेंट कंपनी के रजिस्टर में हटा दो और उसे एक्टिव कंपनी में डाल दो यानी एक्टिव स्टेटस दे दो टेक एक्शन अंडर चैप्टर 18 अंडर चैप्टर 18 जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये दोनों अपने रजिस्ट्रार आरओसी एक्शन ले सकते हैं पर इसमें कुछ है एक्सेप्शन इसमें दिया गया है कुछ एक्सेप्शन ध्यान दीजिए अ डोमेंट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज अंडर सेक्शन टू सेक्शन फोर्टी हमें कैश फ्लो क्या है हम जब पढ़ेंगे हमें समझ में आ जाएगा लेकिन डोमेंट कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट्स नहीं बनाने हैं अ अडमेंट कंपनी शैल ओनली कंडक्ट वन मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वन मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवरी हाफ ईयर यानी कम से कम कितने मीटिंग हुए भैया दो मीटिंग जो हम ऊपर पढ़ लिया था एंड द गैप बिटवीन द टू मीटिंग शुड नॉट बी लेस देन नाइन्टी डेज जी हाँ

The company intends to enter into a relevant accounting transaction. यानी अभी कंपनी को relevant accounting transaction करने हैं यानी significant accounting transaction अब हमारे कंपनी को करने हैं बच्चों ये जो है ना producer company ये जो हम producer company देख रहे हैं ये completely irrelevant completely scrap हो गया है देखिए Companies Act 2013 does not make any provision in respect to a producer company. Thus any new chapter cannot एनी न्यू कंपनी के नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्रोड्यूसर कंपनी अभी ये कंपनी का कुछ नामो निशान है ही नहीं तो हमें इस कॉन्सेप्ट पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमें इस कॉन्सेप्ट को माई डी वर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी ये जो एक पॉइंट है स्टेटेडरी कंपनी आई वॉन्ट ऑल ऑफ योर टू गिव इट अ स्टार्ट मार्क हमने जैसे पढ़ा था एकदम बिगनिंग में कि कंपनी को अगर बनाना है किसी भी कंपनी को किसी भी टाइप ऑफ कंपनी को अगर बनाना है तो भाई उसका इनकॉर्पोरेशन होगा कंपनीज एक्ट 2013 का रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होगा सारे एक्ट्स को सारे सेक्शंस को निभाने पड़ेंगे बट कभी कभी ऐसी ज़रूरत आ पड़ती है गवर्नमेंट के सामने डियर व्यूवर्स कभी कभी ऐसी ज़रूरतें गवर्नमेंट को लगती है कि अर्जेंटली स्पेशल एक्ट ऑफ लेजिचर के द्वारा डायरेक्टली गवर्नमेंट ऐसी कंपनीज को ऐसी एक्ट्स बना देते हैं जो एक्चुअली डायरेक्टली डिरेक्टलीजिस्लेचर पास करता है डायरेक्टली डायरेक्टली लेजिस्टर से पास हुई जाती है डायरेक्टली क्योंकि क्योंकि स्पेशल एक्ट्स बनाए जाते हैं स्पेशल एक्ट्स के अंदर ऑफ द लेजिस्लेचर के अंदर ये स्टेटरी कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है नॉर्मल कंपनी का इनकॉर्पोरेशन जैसे होता है वैसे इन कंपनीज का नहीं होता है स्टैटरी स्टैटरी

लीगली बनाई गई है बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट के द्वारा बनाई गई है द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जी हाँ एस बी आई स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एल आई सी जी हाँ द इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जी हाँ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यू टी आई ऑफ इंडिया दीज आर मोस्टली कंसर्न विद पब्लिक यूटिलिटीज जी हाँ पब्लिक के भले के लिए ये स्पेशल एक्ट के द्वारा ये कंपनीज को बनाया गया है फॉर एग्जाम्पल रेलवेज जी हाँ गैस जी हाँ इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज एंड एंटरप्राइजेज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एनी थिंग ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आर स्टैटरी कंपनीज इफ दे आर इनकॉर्पोरेटेड बाई स्पेशल एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर

हमारा चैप्टर टू भी ख़त्म हो गया है जी हाँ हमने मॉड्यूल वन चैप्टर टू भी ख़त्म कर दिया है अगर आपको कोई डाउट्स है तो फील फ्री टू रीच आउट इन द कमेंट सेक्शन हमारे साथ कमेंट सेक्शन में बने रहिए इंटरैक्टिव रहिए दिस इज़ प्रोफेसर नीति दोषी इज साइनिंग ऑफ थैंक यू